अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप साहब? नाजरीन, आप देख सकते हैं मैं मदीना मुनव्वरा की लोकल मार्केट में मौजूद हूँ। कुछ घर वालों के लिए, कुछ दोस्तों और शिकारों के लिए कुछ सामान लेना था, तो ये बिलाल मस्जिद के पास में एक लोकल मार्केट है। पटरी पर यहाँ तस्बीहें मिल रही हैं और कुछ अंगूठियाँ वगैरह मिल रही हैं, कुछ लेडीज सामान मिल रहा है। तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कहाँ से सस्ता माल ले सकते हैं और कहाँ से आप एक्सपेंसिव और अच्छी चीज़ें चाहिए। साथ में इसके फूड स्ट्रीट है छोटी सी, तो वहाँ पर काफ़ी सारे QSR ब्रांड्स हैं, कैफे चैन हैं और कुछ परफ्यूम शॉप्स हैं ब्रांडेड, वहाँ भी मैं आपको लेकर चलूँगा। तो सबसे पहले उस कौन से पे चलते हैं, ये जो रेडी लगा के बैठा है बंदा, ये तस्बीहें वगैरह बिक रही हैं। हाँ कम अशरा ताल 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 अन्ना स्त्री बात एशियस मिलता एशियस मिलता। तो ये यमनी भाई हैं, इनसे मैंने ये तस्वीर परचेज के लिए जो कि वुडन दाने में है, 10 रियाल की मुझे 12 तस्वीरें मिल गई हैं। अभी मैं कुछ और सामान लेना है, मुझे परफ्यूम्स लेने हैं, इतर लेने हैं, वहाँ भी मैं आपको अभी एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो जब तक मैं इनका पेमेंट कर देता हूँ। एक रियाल बस, अल्लाह मोहम्मद, वाहिद रियाल बस, अल्लाह एक रियाल बस, वाह अल्लाह शुक्र हबीबी, वाहिद रियाल बस। हिंदी हिंदी या मुंबई, एक रियाल बस। खली सोर, खली सोर, खली सोर नस। तो नाज़रीन, मैंने ये तस्वीर परचेज की है, अब मैं कुछ और सामान लेने जा रहा हूँ, आपको बताऊंगा। तो बने रहिए राहिल सफर के साथ में। انا كيس واحد مجانا كان هذا هندي بخيل زياده والله بخيل زياده هندي ये भाई बोल रहे हैं कि मैंने फिल्म में किस दे रहा हूं किस में जाना ये लोकल इत्र है, अगर आपको सस्ते दामों में इतर लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस हैं, जैसे कि आप अमूमन चांदनी चौक वगैरह में जाते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। उसके साथ में ये बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है और इसके साथ में ही ये एक बहुत बड़ी फार्मेसी है, जैसे अपने यहाँ अपोलो फार्मेसी है, कुछ और ब्रांडेड फार्मेसी है, तो उसी तर्ज पर ये यूनाइटेड फार्मेसी है यहाँ की। ये पटरी पर खिलौने बिकते हुए 10 रियाल 15 रियाल के, वो थोड़ी मेरे को पानी जो भी है। चलिए मैं आपको आगे का मार्केट दिखा रहा हूँ। एक 10 रियाल 15 रियाल में चीप प्राइस में आप टॉयज, यहाँ पर ये टॉयज बिक रहे हैं बच्चों के लिए, पटरी पर बेचते हैं ये लोग, ये टेम्परेरी लगाते हैं। जनाजिन, ये जो शॉप्स आप देख रहे हैं पटरी पे, ये टेम्परेरी है, अगर सुरता आता है, पुलिस वाला आता है तो लोगों को यहाँ से भागना पड़ता है। जैसे आप लोग दिल्ली में देखा होगा आपने चांदनी चौक में और मुख्तलिफ मार्केट्स वगैरह में, तो उसी तरह का यहाँ भी ये पटरी बना रखी है इन्होंने, इंडिया ऐसा माहौल बना रखा है। ये खजूर की शॉप्स है, चॉकलेट टॉफीज आप यहाँ ले सकते हैं, हिजाब परफ्यूम वगैरह। ये एक भाई हिजाब बेच रहे हैं मदीना मुनव्वरा की स्ट्रीट में। ये दूर से जो मीनारें दिख रही हैं आपको, ये मस्जिद नबवी यानी मस्जिद अल हरम की मीनारें दिख रही हैं मदीना मुनव्वरा की। ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जो कि बिलाल मस्जिद के सामने ही है। अगर आप लोग अंदर बैठना खाना पसंद नहीं करते हैं तो बाहर भी इनका डाइनिंग एरिया है, यहाँ भी आप खाना नोश फरमा सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हर तरह का खाना है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चाइनीज,
और भी मुख्तलिफ डिशेज यहाँ पर हैं। सीरियन रेस्टोरेंट है, टर्किश रेस्टोरेंट है, यहाँ पर इजिप्शियन रेस्टोरेंट है। ये देखिए 10 रियाल में यहाँ पर ये जानमाजें बिक रही हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए बतौर तोहफा बतौर यादगार जानमाजें देते हैं, क्योंकि जो कोई भी हज उमरा पर आता है तो लोग उसके रिश्तेदार इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ हमें तोहफा मिलेगा। वैसे अगर कोई हज उमरा पर आ रहा है तो उसके लिए थोड़ी सी दुआ कर दे तो वो किसी तोहफे से कम नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए रेस्टोरेंट के बाहर बिल्लियां खिलती हुई। लाजमी आपको पूरे मदीना शहर में यहाँ एक भी कुत्ता नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ जो बिल्ली है वो फ्री होकर घूमती हैं इधर उधर, और यहाँ की बिल्लियां भी काफी शैतान हैं, काफी फैमिलियर हैं, क्योंकि अभी मैं खाना खा रहा था तो मेरे पैर के पास में आके कुछ कह रही थी, कुछ कहना चाह रही थी अपनी जबान में। देखिए एक ये शॉप है, यहाँ से भी आप खजूर और टॉफी वगैरह परचेस कर सकते हैं। वैसे मैंने कल ही अपनी सारी शॉपिंग कर रखी है, लेकिन कुछ थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है वो मैं अभी करने जा रहा हूँ। ये यहाँ पर रेस्टोरेंट है, देखिए बांग्लादेशी पाकिस्तानी देखिए एक शॉप ये है बिलाल मस्जिद के पास में, यहाँ पर आप कुछ गिफ्ट आइटम ले सकते हैं, कुछ बैग्स ले सकते हैं, बच्चों के लिए टॉयज भी ले सकते हैं। ये बिलाल मस्जिद के सामने है एक मार्केट है। नाजरीन ये देखिए ये भी लाइन से सब रेस्टोरेंट है, ये भी लोकल सी फूड स्ट्रीट है, लेकिन अब मैं जो आपको लेकर जा रहा हूँ वो एक छोटी सी फूड स्ट्रीट है, उसमें परफ्यूम शॉप्स भी हैं, उसमें कुछ गिफ्ट आइटम भी आप परचेस कर सकते हैं, कॉफ़ी शॉप्स भी हैं वहाँ पर, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ पर अभी रिसेंटली अभी यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको ईजाद किया है। और जो छोटा सा पहाड़ देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे राइडिंग करते हैं अपनी मोटर बाइक की कार की और साइकिल की, देख रहे हैं ये बच्चों के लिए काफ़ी इंजॉय वाला प्लेस है। ये कोई फुटबॉल खेल रहा है बच्चा, कोई साइकिलिंग कर रहा है, और यहाँ पर मोटर बाइक भी किराए पर मिल जाती है बच्चों के लिए बैटरी वाली। एक ये गिफ्ट शॉप है, यहाँ से भी आप अपने घर वालों के लिए अपने आलो याल के लिए गिफ्ट ले सकते हैं। ये देखिए बच्चे खेलते हुए, सब बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं यहाँ पर, इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के खेलने की जगह बनाई गई है। ये हमारे शेर भाई घंटे बाद मिले हैं, गुम हो गए थे ये, आ गए मैं चला गया था कहीं पे। हाँ ये गुम हो गए थे, हमें इनको ढूंढे ढूंढे यहाँ तक आ गए। चलो आप थोड़ी फूड स्ट्रीट का नजारा कराते हैं, शेर भाई फूड स्ट्रीट में चलते हैं। ये देखिए यहाँ बच्चों की कार मिलती है। आओ सलमान
ये बच्चों की आप यहाँ पर कार रेंट पे ले सकते हैं उनके खेलने के लिए। ये पूरी दुकान है, ये यहाँ पर बच्चों के लिए साइकिल, मोटर कार, मोटर बाइक सब मिलता है रेंट पे। अब मैं आपको यहाँ का जो फूड स्ट्रीट अभी रिसेंटली यहाँ की गवर्नमेंट ने बनाया है उस पर लेकर चलता हूँ। वहाँ पर इसमें मल्टीनेशनल क्विजिन और मल्टीनेशनल कैफे चैन के स्टोर्स हैं, उसका आपको नजारा कराते हैं। तो नाज़रीन ये वो स्ट्रीट है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, ये यहाँ का लोकल फूड स्ट्रीट है। सामने देखिए कैफे कियान है, ये एक इंटरनेशनल कॉफी चैन है। ये यहाँ पर फ्रोलेटी करके ये जूस शॉप है। ये एक परफ्यूम शॉप है, ध्यान रखना पड़ता है, काफी लेडीज आ रही हैं यहाँ पर। तो अबाया शॉप है यहाँ पर इस फूड स्ट्रीट में। इसमें सभी तरह के मल्टीपल स्टोर्स हैं, फूड आउटलेट भी हैं, परफ्यूम और अबाया शॉप भी हैं। ये एक आइसक्रीम का स्टोर है। ये परफ्यूम स्टोर है, सामने देख सकते हैं। ये बिलाल मस्जिद के पास में ही एक छोटी सी फूड स्ट्रीट है। ये वर्जिन मोबाइल का काउंटर है। ये यहाँ पर छोटा सा क्लॉक टावर है। ये फार्मेसी है नाज़रीन। सामने देख रहे हैं वो है बगोटा कैफे। ये है ओद इलाइट, यहाँ से मैं इतर जो है परचेज करने जा रहा हूँ। सो गाइस फाइनली ओद इलाइट से हम लोगों ने परफ्यूम परचेज किए हैं, कुछ इतर परचेज किए हैं मैंने सलमान भाई ने। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाएगा, लेकिन जहाँ क्वालिटी अच्छी थी तो वहाँ पैसों का मुँह नहीं दिखा था। जैसे कि अगर आप परफ्यूम लवर हैं, अगर परफ्यूम आपको पसंद आ गया, उसकी फ्रेगनेंस आपको पसंद आ गई, तो आप बगैर सोचे समझे परफ्यूम परचेस कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास परफ्यूम का बहुत ही बड़ा स्टॉक है मेरे घर के अंदर, और मैं हमेशा अरबेन ऊद या ऊद इलाइट या फिर ऊद अल माजिद अल ऊद अब्दुल समद अल कुरैश, वहीं से ही मैं परचेस करता हूँ जब कभी भी सऊदी या दुबई आता हूँ। तो अहमद परफ्यूम का बहुत नाम सुना है, वहाँ का भी ट्राई करते हैं, चलते हैं अहमद परफ्यूम में। उससे पहले ये आप फूड स्ट्रीट का और देख लें, ये और फ्लाई फ्राइज, जॉफ्रीज, ये काफी सारे यहाँ पर फूड स्टोर है, मल्टी क्विजिन, तरह तरह के यहाँ पर व्यंजन आपको खाने को मिल सकते हैं। और ये लोकल बैटरी रिक्शा की तरह गाड़ियाँ हैं, व्हीकल हैं, जो कि अगर आपको यहाँ से हरम जाना है तो वो आपको छोड़ देंगे। ये 10 रियाल 15 रियाल लेते हैं एक बंदे के। ये यहाँ का और कॉफी शॉप्स है, बाहर लोग चाय नोश फरमा रहे हैं, खाना नोश फरमा रहे हैं। एक और ब्रांड दिखाइए, कनाडा चिप्स करके, ये भी बाहर की कंपनी, मेरे ख्याल से अभी ओपन नहीं है, ओपन होने वाला है शायद। एक और फूड स्टोर, ये फूड आउटलेट है HBQ करके, HBQ। तब नाज़रीन हम सामने जा रहे हैं अहमद परफ्यूम में। Thank you.
एक बार इस फूड स्ट्रीट का नजारा आप कर सकते हैं। ये टेक्सास चिकन का आउटलेट है। हम लोगों ने एमएक परफ्यूम से कुछ परफ्यूम खरीदे हैं दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। तो आज की शॉपिंग तो फिनिश हुई वो डिलाइट से, और ये यहाँ का लोकल ब्रांड था, और ये अहमद परफ्यूम जो कि दुबई का ब्रांड है। काफ़ी सारे मैंने और सलमान भाई ने परफ्यूम परचेज़ किए थे, इतने परफ्यूम परचेज़ किए हैं। अब लगाने के बाद इसका रिस्पॉन्स अगर अच्छा लगा तो इंशाल्लाह इनसे रब्ता कायम होता रहेगा, फिर और आते रहेंगे। तो हमारी टीम आती रहती है हर महीने 2-3 महीने के अंदर, तो इंशाल्लाह दोबारा भी खरीद फरोख्त का मौका लगेगा। तो ये आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में कल मुलाकात होगी, क्योंकि कल हम लोग उमरे के लिए जा रहे हैं।